मुजफ्फरनगर के दर्पण पैलेस में मंगलवार को स्टेट बैंक पेंशन्स एसोसिएशन की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक दिग्विजय शर्मा ने की। सभा में दिल्ली व्रत के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, महासचिव पी के पाठक, उपाध्यक्ष विजय मल्होत्रा और सचिव अशोक टंडन विशेष रूप से पधारे। सभा में स्टेट बैंक की ओर से 70 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर चुके सदस्यों का माल्यार्पण एवं समृद्धि चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान सचिव ज्ञानचंद संगल ने गत 3 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट एवं पेंशन एसोसिएशन द्वारा सदस्य एवं समाज के हित में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 68,102 रुपए पीएम केयर फंड में भेजा जाना है। वहीं इस दौरान सभा में मुख्य चुनाव अधिकारी सुंदरलाल मित्तल ने चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर अध्यक्ष कश्मीरी लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष चेतन स्वरूप कक्कड़, उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, सचिव ज्ञानचंद संगल, सह सचिव अशोक गर्ग, संगठन सचिव सत्य प्रकाश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र अरोरा की निर्वाचित की गई घोषणा सर्वसम्मति से की। मैं यहाँ 13 पेंशनर्स थे सिर्फ, आज 140 से ऊपर पेंशनर्स हैं जो कि इस गोष्ठी में शामिल हुए हैं, जो फिजिकली आ सके हैं ठीक है, लेकिन कुछ एज की वजह से या उनकी अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं भी आ पाए, लेकिन हमारी इच्छा यही है एज फ्रॉम द सर्कल प्रेसिडेंट्स डेस्क कि उनकी दीर्घायु रहे और वो स्वस्थ रहें। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार चौधरी। सर बताइए, जो कार्यक्रम चल रहा है पेंशनर्स से, किस तरह का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो स्टेट बैंक से रिटायर्ड एम्प्लॉयज पेंशनर्स हैं, चाहे वो मैसेंजर लेवल से, चाहे ऑफिसर लेवल से या अवार्ड स्टाफ लेवल से जो रिटायर हुए, उनका कार्यक्रम हम साल में एक बार करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 3 साल के गैप के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम वरिष्ठ साथियों को ये आश्वासन दे सकें कि जो भी उनकी पेंशनर्स वृद्धि की, फैमिली पेंशन की वृद्धि की जो अपेक्षाएं हैं बैंक मैनेजमेंट से, सरकार से, वो जल्दी जल्द पूर्ण होने की उम्मीद है। बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, हमारा केस भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगा हुआ है और उसकी हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश यही होती है कि जो पेंशनर्स 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं और पिछले 3 सालों में 70 साल क्रॉस किए हैं, उनको विशेष कार्यक्रम करके उनका सम्मान किया जाता है और ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि भगवान उनकी सेहत का ख्याल रखेगा और वो दीर्घायु से दीर्घायु प्राप्त करेंगे। कितने पेंशनर हैं जिसे आपने यहाँ पर सम्मानित किया है? आज हमने 30 पेंशनर को हमने वेलकम किया है, सम्मानित किया है।